लेकिन ये गिरफ्तारी जो है ये जो अल कादर ट्रस्ट के नाम से केस है उस हवाले से उस इंक्वायरी और उस मुकदमे में जो है वो की गई है। ये एक प्रॉपर्टी टाइकून की रकम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिला में यूके में जो है वो पैसा पकड़ा गया और कानून के मुताबिक ये 190 मिलियन पाउंड जो कि तकरीबन कोई 60 अरब रुपए के लगभग रकम बनती है, ये रकम जो है वो कानून के मुताबिक ये पाकिस्तान के आवाम की अमानत थी और ये रकम जो है ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में वापस आनी थी। यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया और इस रकम की कौमी ख़जाने में वापसी के लिए जो है वो इंतज़ामात से मुतल्लक उसके मुतल्लक बात की। बीच में इमरान खान का जो एक दल्ला दलाल था जिसका नाम शहजाद अकबर था वो बीच में आया, उस दलाल ने अपनी दलाली की और एक सौदा जो है वो तय पाया जिसके नतीजे में एक अल कादर ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट के नाम पे जो है तकरीबन कोई यानी उस प्रॉपर्टी की मालियत जो है कोई 458 कनाल सहाबा में और 240 कनाल जो है वो बनी गाला में। ये प्रॉपर्टी जो है ये बकायदा अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड हुई।